नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वॉक विद मी में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं राजस्थान लोक कलाएं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन से एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते रहे हैं, चाहे RPSC फर्स्ट ग्रेड हो या RPSC SCF। तो चलिए देखते हैं अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बेवाण किसे कहते हैं? ऑप्शन देखिए, बिना बाण का धनुष, दूल्हे के खड़े होने की चौकी, लकड़ी का श्रृंगारदान, और चौथा ऑप्शन है लकड़ी के बने देव विमान। तो अपना आंसर जो होगा इसमें वो होगा 4 नंबर, लकड़ी के बने देव विमान। जितनी भी हिंदू संस्कृति में शोभा यात्राएं निकलती है उनमें लकड़ी भगवान के विमान निकलते हैं, जिनमें भगवान की मूर्ति स्थापित होती है, लकड़ी के बने देव विमान कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिर नुमा कई कपाट की बनी काष्ठ कलाकृति जिसमें राम और सीता के दर्शन होते हैं कहलाती है? काष्ठ कलाकृति, काष्ठ यानी लकड़ी की बनी जो कलाकृति होती है उसे कहते हैं, देखिए, कावड़, बाजोट, कोडेड़ी और दीवड़। उत्तर होगा इसमें पहले नंबर का कावड़, लकड़ी की बनी कलाकृति कहलाती है कावड़, जो कि मंदिर नुमा कपाट की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबूजी के पोपे फड़ गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? बाबूजी के भोपे फड़ गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है इसमें पखावज, रावण हत्ता, करताल और नौबत। उत्तर होगा अपने सेकंड नंबर का रावण हत्ता। देखिए दोस्तों, जो बाबूजी होते हैं वो रायका या रेबारी जाति के, रायका या रेबारी, रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव होते हैं बाबूजी। नायक जाति के भोपे बाबूजी के फड़ बांसते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, इनके भोपे होते हैं नायक जाति के, नायक जाति के भोपे होते हैं। देखिए, बाबूजी के फड़ गाते समय नायक जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछवाई चित्रों में किस देवता के विभिन्न स्वरूपों का अंकन किया जाता है? ऑप्शन है रामचंद्र जी का, श्रीनाथ जी का, गणेश जी का और शिव जी का। उत्तर होगा अपना इसमें सेकंड नंबर का श्रीनाथ जी का। देखिए दोस्तों, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे काले कपड़े पर, कौन से कपड़े पर? काले कपड़े पर, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे काले कपड़े पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन पिछवाई कहलाता है। श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है, श्रीनाथ जी के मूर्ति के पीछे जो काला कपड़ा लगा होता है उस पर कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है, जो कि पिछवाई कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा, सांझी कब बनाई जाती है? सांझी कब मनाई जाती है? देखिए ऑप्शन, नवरात्रा आश्विन में, नवरात्र चैत्र में, श्राद्ध पक्ष में और श्रावण में। तो उत्तर होगा अपना इसमें थर्ड नंबर, श्राद्ध पक्ष के अंदर सांझी बनाई जाती है। देखिए, भाद्रपद की पूर्णिमा से, भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक, अमावस्या लेकिन आश्विन मास की अमावस्या तक, भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक पूरे श्राद्ध पक्ष में सांझी पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांझी का संबंध किन से है? ऑप्शन देखिए, विवाहित स्त्रियों से, कुमारी कन्याओं से, आदिवासी महिलाओं से और राजपूतों से। उत्तर होगा अपना इसमें कुमारी कन्याओं से सांझी का संबंध होता है। देखिए, कुमारी कन्याओं द्वारा संध्या के समय, कुमारी कन्याओं द्वारा संध्या के समय गोबर से बने विभिन्न आकृतियाँ बनाकर पूजा की जाती है, सांझी कहलाती है। संध्या के समय बनाए जाने के कारण इसको सांझी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी लोक कलाओं को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया है? ऑप्शन देखिएगा, लोक कला मंडल उदयपुर, रूपायन लोक कला संस्थान बोरुंदा, जवाहर कला केंद्र जयपुर, उपरोक्त सभी। तो अपना जो उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर, उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी संस्थानों के द्वारा राजस्थानी लोक कलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं, मानना क्या है? देखिए, रंगों का संयोजन, साड़ी की किनार, ज्यामितीय अलंकरण और एक राग का नाम। तो आंसर जो होगा उसमें वो होगा थर्ड नंबर का, एक ज्यामितीय अलंकरण होता है मानना।
देखिए, जनजातीय महिलाओं द्वारा विशेष अवसर जमीन और दीवार पर बनाई गई ज्यामितीय अलंकरण मानना कहलाती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, कागज पर बने चित्र कहलाते हैं फड़, सांझी, कावड़ और पाने। तो उत्तर होगा अपना इसमें 4 नंबर का, पाने। कागज पर बने चित्र पाने कहलाते हैं। देखिए, फड़ जो कि कपड़े पर बनाई जाती है, सांझी जमीन पर या दीवारों पर बनाई जाती है, और कावड़ कास्ट कलाकृति होती है। तो अपना उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर, पाने। कागज पर बने चित्र पाने कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रामदेव जी की फड़ किसके द्वारा गाई जाती है? रामदेव जी की फड़ किसके द्वारा गाई जाती है? कामड़ लागो द्वारा, नायक भोपो द्वारा, मांगणियार द्वारा और लंगा लोगों द्वारा। आंसर होगा इसमें फर्स्ट नंबर का, कामड़ लोगों द्वारा। देखिए, रामदेव जी की फड़ गाते समय भोपो के द्वारा यानी कामड़ जाति के भोपो के द्वारा तंदूरा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? तंदूरा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फड़ किनके द्वारा गाई जाती है? कामड़ जाति के लोगों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखिएगा। पहला है, कावड़ में कई द्वार होते हैं, जो कि सही है। यह लाल रंग में बनी होती है, बिल्कुल सही है। यह कास्ट कलाकृति यानी लकड़ी की कलाकृति होती है, जो भी सही है। इसमें घुंघरू लगे होते हैं, जो कि एक गलत आंसर है। तो इसमें असत्य कथन पूछा गया है, तो अपना उत्तर होगा 4 नंबर, इसमें घुंघरू लगे हुए नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कपड़े पर बने लोक देवी देवताओं के चित्र कहलाते हैं पाने, फड़, कमली और पिछवाई। देखिए दोस्तों, कपड़े पर बने चित्र फड़ कहलाते हैं, जो कि शाहपुरा जहाज भिलवाड़ा के प्रसिद्ध है, जो कि शाहपुरा भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के प्रसिद्ध है फड़। नेक्स्ट प्रश्न है, सांझी पर किसकी पूजा होती है? सरस्वती की, पार्वती की, सीता की और लक्ष्मी देवी की। तो उत्तर होगा इसमें अपने सेकंड नंबर का, पार्वती की। सांझी पर पार्वती की पूजा की जाती है, माँ पार्वती की पूजा होती है सांझी पर। सांझी का प्रतीक होता है पार्वती। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर के विभिन्न आकारों को उकेर कर बनाई जाती है रंगोली, सांझी, दामिनी और पीवणी। तो आंसर होगा इसमें सेकंड नंबर, सांझी। गोबर के विभिन्न अलंकारों को अलंकृत की जाती है सांझी। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगत युग्म छाटी देवनारायण जी की फड़ गुजर भोपे द्वारा, जो कि सही है। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के भोपे द्वारा, जो भी सही है। पाबू जी की फड़ नायक या आयड़ी भोपे के द्वारा बांची जाती है, जो भी सही है। तेजा जी की फड़ भवई जाति के लोगों द्वारा, जो कि एक गलत क्वेश्चन है। देखिए, तेजा जी की फड़ तो आंसर होगा अपना इसमें 4 नंबर, तेजा जी की फड़, जो कि गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदना किन जातियों में विशेष लोकप्रिय है? देखिए, गराशिया भील, भील मीणा, सहरिया मीणा और डामोर भील। तो आंसर होगा इसमें सेकंड नंबर का, भील और मीणा में गोदना विशेष लोकप्रिय है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबी फड़ किनकी बनती है? यहाँ पर फल नहीं है दोस्तों, फड़ है। सबसे लंबी फड़ किसकी बनती है? ऑप्शन देखिए, पाबू जी की, रामदेव जी की, देवनारायण जी की और तेजा जी की। तो आंसर होगा इसमें देवनारायण जी की। देखिए दोस्तों, सबसे लंबी फड़ भी देवनारायण जी की है और सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। तो दोनों में आंसर आएगा देवनारायण जी। नेक्स्ट है, देवनारायण जी की फड़ किसके द्वारा बांची जाती है? ऑप्शन देखिए, भीलों द्वारा, गुजरों द्वारा, मीणाओं द्वारा, सहरियाओं द्वारा। तो आंसर होगा अपना इसमें सेकंड नंबर, गुजरों के द्वारा देवनारायण जी की फड़ बांची जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रामदेव जी की फड़ के साथ भोपे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जो कि मैंने पहले बता दिया, भपंग, नौबत, तंदूरा और मृदंग। तो आंसर होगा इसमें 3rd नंबर का, तंदूरा। रामदेव जी के जो भोपे होते हैं कामड़ जाति के होते हैं, और रामदेव जी के फड़ बांसते समय तंदूरा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कलमकारी कला किससे संबंधित है? फड़ चित्रण से, मलिर प्रिंट से, पिछवाई से और संगनेरी प्रिंटिंग से। तो आंसर होगा इसमें फड़ चित्रण से, कलमकारी चित्रकला जो है फड़ चित्रण से संबंधित है। नेक्स्ट है, केले की सांझी कहाँ बनाई जाती है? केले की सांझी देखिए दोस्तों, नादौरा में बनाई जाती है, क्योंकि
श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है तो केले की साजिश नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बगड़ावतों की कथा किस फड़ में गाई जाती है? बगड़ावतों की कथा किस फड़ में गाई जाती है? देवनारायण जी की फड़ में, बाबू जी की फड़ में, रामदेव जी की फड़ में और तेजाजी की फड़ में? तो उत्तर होगा अपना इसमें फर्स्ट नंबर, देवनारायण जी की फड़ में बगड़ावतों की कथा गाई जाती है गुजर भोपो के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह फड़ जो पड़ी नहीं जाती है जिसकी केवल पूजा होती है, भैंसासुर की फड़, भैरू बाबा की फड़, भरतहरी की फड़ और कल्ला जी की फड़? तो आंसर होगा इसमें अपना फर्स्ट नंबर, भैंसासुर की फड़ को पड़ा नहीं जाता है, केवल उसकी पूजा की जाती है। आगे चलते हैं, हाथ की छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के ठप्पों को कहा जाता है, छसेड़ी, बतकाड़े, मोहर और सीकड़े? तो आंसर होगा इसमें सेकंड नंबर का, बतकाड़े कहा जाता है, हाथ की छपाई के लिए प्रयुक्त ठप्पों को बतकाड़े कहा जाता है। नेक्स्ट है, फर चित्रण में प्रमुख रूप से किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो फर चित्र में दोस्तों हरा और लाल रंग का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री लाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? देखिए, थेवा कला, फड़चित्रण, उस्ता कला और पिछवाई कला। तो श्री लाल जोशी फड़चित्रण से संबंधित है, जो कि शाहपुरा भिलोड़ा के जोशी परिवार का विशेष योगदान है फड़चित्रण में। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची बनाने का समय है, चैत्र कृष्ण एकम से अमावस्या, आश्विन शुक्ल एकम से पूर्णिमा, आश्विन कृष्ण एकम से अमावस्या, चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा? तो आंसर होगा इसमें थर्ड नंबर, आश्विन कृष्ण एकम से अमावस्या तक सांची बनाने का समय। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े जिनके आदिवासियों में बड़ी मान्यता होती है वो कहलाते हैं? देखिए दोस्तों, घोड़ा बावसी कहलाते हैं। मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े जो आदिवासियों में विशेष मान्यता रखते हैं घोड़ा बावसी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई मिट्टी के कलात्मक पात्र, देखिए दोस्तों मिट्टी के जो कलात्मक पात्र होते हैं वो आदिवासियों में सोहरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सोहरी कहलाते हैं, जो कि मिट्टी के बने कलात्मक पात्र होते हैं, जो कि भोजन सामग्री को सुरक्षित रखने हेतु बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, घर की छोटी मोटी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई मिट्टी की महल नुमा आकृति कहलाती है, हीड, व्हील, कोठी और घराड़ी? तो व्हील कहलाती है। देखिए दोस्तों, छोटी मोटी वस्तुओं को रखने के लिए मिट्टी की जो महल नुमा आकृति होती है वो व्हील कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बटेवड़े या थापड़ा कहलाते हैं? ऑप्शन देखिएगा, गोबर के उपलों को टक्कर रखने का स्थान, उपलों को बनाने का स्थान, उपलों को जलाकर फेंकने की जगह और उपलों को की धूप में सुखाने का स्थान? तो उत्तर होगा इसमें पहला नंबर का, उपलों, गोबर के उपलों को टक्कर रखने का स्थान बटेवड़े या थापड़ा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोरनी मांडना किस में लोकप्रिय है? मोरनी मांडना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मीणाओं से, भीलों में, आदिवासियों में और सहरियाओं में? तो उत्तर होगा इसमें मीणाओं में, मोरनी मांडना विशेष महत्व रखता है। देखिए, मांगलिक कार्य हेतु घर से बाहर जाने, सॉरी दोस्तों, विशेष अवसर पर महिलाओं द्वारा जमीन या दीवारों पर बनाया गया मांडना मोरनी मांडना कहलाता है, जो कि मीण जनजातियों द्वारा विशेष है। नेक्स्ट है, कावड़ और लकड़ी के कलात्मक खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? कावड़ और लकड़ी के कलात्मक खिलौने बस्सी चित्तौड़ में बनाए जाते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़ लकड़ी के कलात्मक खिलौनों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिदिन कठपुतली प्रदर्शन कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन देखिएगा, श्री राम रंगमंच जयपुर में, बारूंदा लोक कला संस्थान में, लोक कला मंडल उदयपुर में, जवाहर कला केंद्र जयपुर में? तो उत्तर होगा इसमें थर्ड नंबर, लोक कला मंडल उदयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी की फड़ का डाक टिकट कब जारी किया? तो देखिए, 1989 में, 1992 में, 1996 में, 2002 में? तो देखिए, 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था डाक विभाग द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हीड़ है दीपावली पर प्रयुक्त मिट्टी का पात्र हीड़ कहलाता है? तो उत्तर क्या होगा इसमें, फर्स्ट नंबर, हीड़, दीपावली पर प्रयुक्त मिट्टी का पात्र हीड़ कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पतवारी है, देखिए दोस्तों, भीलों की लोक देवी, आवड़ माता का एक रूप, पथ की रक्षक देवी और मारवाड़ की लोक देवी? तो उत्तर होगा इसमें थर्ड नंबर, पथ की रक्षक देवी। देखिए दोस्तों, मांगलिक कार्य हेतु घर से बाहर जाने से पूर्व पथ की रक्षक देवी पतवारी की पूजा की जाती है, इसलिए इसको पथ की रक्षक देवी कहते हैं।
नेक्स्ट है पवाड़े हैं, प्रेम कथा, लोक कथाएं, लोक नायकों की वीर रसात्मक कथाएं, धार्मिक गीतों का गायन और लोक देवताओं की जीवन गाथा। तो उत्तर होगा इसमें सेकंड नंबर, लोक नायकों की वीर रसात्मक गाथाएं पवाड़े कहलाते हैं। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान लोक कलाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।